रिमूव चाइना एप्स के बाद अब आया रिप्लेस इट। चीन की तो मानो भारत ने शामत ही ला दी है। सीमा पर भारतीय नौजवान चीन के आगे सीना ताने खड़े हैं, वहीं भारत के नागरिकों ने चीन को आर्थिक तौर पर चोट देने का मन बना लिया है। तभी तो अब चाइनीज ऐप्स की छुट्टी करने के लिए एक नया ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आ गया है, जिसकी मदद से न सिर्फ यूजर्स चाइनीज ऐप्स की पहचान कर पाएंगे बल्कि वैसे ही फीचर्स ऑफर करने वाले इंडियन ऐप्स सजेस्ट भी करेगा। यानी कि अब भारतीय चीन से स्मार्टली डील करने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए भी काफी लाभकारी साबित होगा जो चीनी ऐप्स को डिलीट तो करना चाहते हैं, चीन से लड़ाई में भागीदार तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आखिर उनके फोन में मौजूद इतनी सारी एप्लीकेशंस में से चीनी ऐप कौन सी है। रिप्लेस इट वो ऐप्स ढूंढ भी देगा और अगर आप चाहेंगे तो सेम फीचर वाले इंडियन ऐप से उसे रिप्लेस भी कर देगा। प्ले स्टोर पर मौजूद रिप्लेस इट को अब तक हजारों यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं और इसकी रेटिंग है 4.9। 5 में से इस एप्लीकेशन को 4.9 स्टार्स मिले हैं, है ना कमाल। इस ऐप को महाराष्ट्र के विदिशा के रहने वाले अंकित अग्रवाल ने बनाकर तैयार किया है। ये यूजर्स को 5 अलग अलग फीचर्स प्रदान करता है। इसकी मदद से कौन सी ऐप कौन से देश में निर्मित है इसकी जानकारी मिलती है। इसकी मदद से बारकोड स्कैन करने का ऑप्शन भी यूजर्स को मिलता है, जिससे कि यूजर को उस देश का नाम पता चल सके जिस देश में ऐप को बनाया गया है। यूजर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे ऐप्स को भी सजेस्ट करता है, चीनी ऐप्स की जगह भारतीय ऐप्स की सजेशन देता है। ऐप में कोरोना संक्रमण से जुड़ी जानकारी के लिए भी अलग सेक्शन बनाया गया है। रिप्लेस इट की डेवलपर अंकित कहते हैं कि इस ऐप को बनाने की प्रेरणा उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से मिली है। इस ऐप की मदद से हम खुद तय कर पाएंगे कि हमें कौन सी ऐप रखनी है और कौन सी ऐप डिलीट करनी है। कुल मिलाकर यह ऐप ऐसे लोगों के लिए समाधान है जो चीनी ऐप्स को लेकर असमंजस में है। डिलीट कर भी दें तो फिर उसकी जगह उसी के जैसा कौन सा स्वदेश निर्मित ऐप इंस्टॉल करें, इसके लिए परेशान रहते हैं। तो अब विदिशा के अंकित अग्रवाल ने रिप्लेस इट के जरिए ऐसे लोगों की परेशानी का समाधान निकाल दिया है और चीनी ऐप्स के बहिष्कार के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा जोर और दिया है। बता दें इससे पहले रिमूव चाइना ऐप्स के नाम से भी एक ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलती थी, लेकिन चीन के गुस्से के बाद चीन के ऐप पर आए आक्रामक रुख के बाद प्ले स्टोर ने उस ऐप को डिलीट कर दिया था। हालांकि उस ऐप को भी काफी लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया था।